Very good. क्या रहा होता क्या डैडी? वही जो हमेशा होता है, फिर वही बकवास। अच्छा चलो तुम ही बता दो। रेस में अव्वल आ रहा था, पैर के नीचे पत्थर आया और डैडी मोच आ गए। वाह 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 वाह, क्या सच कहा है जनाब ने, पैर में मोच आ गई थी। डैडी इसको मना कर दीजिए, जब देखो मेरा मजाक उड़ाती है। तुम खामोश रहो। तो फिर अव्वल कौन आया? अजी आता कौन? वो फिरोज। ये फिरोज कौन है? डैडी फिरोज हमारे कॉलेज का बड़ा होनहार लड़का है, पढ़ाई में अव्वल, खेलों में अव्वल, डैडी बड़ा जहीन लड़का है। अजी क्या खास जहीन है, कॉलेज वालों ने खामखाई कर दो उठा रखा है। यूनियन के इलेक्शन में देखता हूँ मेरे मुकाबले में किस तरह कामयाब होता है। अजी का अखबार है ना डैडी? हाँ बेटी, अजीब लड़का है ये भी। अम्मी अम्मी आप यहाँ हैं, मैं आपको सारे घर में देख रहा हूँ। अम्मी कमाल है अम्मी, अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। क्या रही? ये इनाम है इनाम अम्मी, ये रेस में अव्वल आने का इनाम मिला आपके बेटे को, और ये देखिए हाईजंप में अव्वल आने का इनाम, और ये पूरे कॉलेज में अव्वल आने का इनाम आपके बेटे को मिला है, बेटे को। हाँ अरे भाई, किस बात की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, जरा हम भी तो सुने। आज का फिरोज कॉलेज के खेलों में अव्वल आया, उसे मैं इनाम भी मिले। माशाल्लाह, अरे भाई क्यों ना हो, आखिर खिलाड़ी का बेटा है ना, हम भी खेलों में हमेशा अव्वल लाया करते थे। समझाया है कि मेरा रास्ता न रोका कर, जब देखो कहता है निकाल जवंदी निकाल जवंदी। फरमाइए। तो फिर लिखिए हमारा भी नाम सुनने वालों में, पागलों में नाम है तेरा। बस यार शेरू के सब आ गए। शेरू क्यों नहीं आया? ये बुखार है सरकार, शीत के साथ। आज तो चवन्नी नहीं बाबा, अठन्नी लो। अठन्नी चार सौ की मकसद से कामयाब हो जाएगा बच्चा। हाँ।
लग रही हैं अम्मी। आधी रात गुजर गई, जरा अपनी सेहत का तो ख्याल कर। अम्मी मुझे अपनी सेहत से ज्यादा अपने मुस्तकबिल का ख्याल है। अच्छा बकवास बंद कर। ओके माँ, मुझे मालूम है तेरा बाप आज रात ड्यूटी पर है और तू घर में अकेली है। सीमा देख तेरा मेहमान आया है, मेहमान का दिल तोड़ लो नाराज हो जाएगा। कसम है तेरी मोहब्बत की, अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो रात भर यहाँ बैठा कवाली गाता रहूंगा। हाँ लाशी जाएगी एक रोज यहाँ से साथी, हम कहाँ जाएंगे उठ कर तेरे मखाने से, तेरी महफिल से उठ कर तेरे दीवाने में कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए। आखिर तुझे मुझ पर रहम आ ही गया ना। मैं भी उस वक्त तक भी खोल लूंगा जब तक तेरा हाथ मेरे हाथ में नहीं आ जाएगा। क्या बकवास लगा रखी है जी? वो मैं तो ये कह रहा था कि वो फिलहाल तो 20 रुपए मतलब पर भाई लाना के समय कल की है। मैं आपकी इस मेहरबानी का शुक्रिया किस तरह अदा करूँ? मेहरबानी नहीं ये एहसान कहो, एहसान। और तुम इस एहसान का बदला चुका सकते हो। वो इस तरह कि अब के इलेक्शन में मेरे हक में 10 मरबार हो जाओ। हाँ फिरोज तुम एक मुखलिस आदमी हो, एक मामूली छोले वाले ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी और तुम खड़े मुंह देखते रहे, तो कॉलेज के लड़कों को भलाई के लिए तुम क्या कर सकते हो? निशाने पर लगा रोज तुम्हारे लिए 10 मरबार हो जाएगा। अभी तो इब्तिदा है, इब्तिदा। आगे देखिए उस्ताद क्या क्या गुल खिलाते हैं। कहो एहसान और तुम इस एहसान का बदला चुका सकते हो। वो इस तरह कि अब के इलेक्शन में मेरे हक में 10 मरबार हो जाओ। नहीं नहीं ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता बेटे? कुछ नहीं अम्मी, यूं ही ख्याल आ गया था। ना जाने हर वक्त क्या सोचता रहता है। ना नहीं लेकिन जरूरतमंद मालूम देते हो इसलिए दिए देता हूँ। और हाँ एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर अपनी साइकिल वापस ना ले गए तो माल हजम और खेल खत्म। फिर न कहना हमें खबर न हो। रोज का यार हमीद। तो मैं क्या करूं? ये साइकिल जा रही है। कहाँ जा रही है? जहाँ से आई थी। दस के 3 करारे नोट दिए हैं। ये हमीद का यार का माल है समझे? इतना सस्ता नहीं। हमीद का यार का माल है। मान ले मुझे पर तुम्हारा भी जवाब नहीं। ये लो 30 रुपए में फिरोज को खरीद लिया, सारी अकल निकल गई। नवाब हमारे मशवरों पर चलोगे तो फायदा ही फायदा हो। बकवास बंद करो। मुजफ्फर को मशवरा मैंने दिया था कि फिरोज को रुपए का लालच देकर खरीदा जा सकता है। हम तुम्हारे ही इंतजार कर रहे थे। और क्या, हम तो हमेशा इनकी तारीफ करते रहते।
फजल चाय की कैंटीन? मैं चाय पीने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुम दौलत से इज्जत शोहरत मोटर बंगले सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन ये खरीद से उसका जमीर नहीं खरीद सकते। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि जरूर अपना एहसान शायद किसी और गरीब की मजबूरियां खरीदने के काम आ जाए। देख लूंगा, अगर इस बेइज्जती का बदला ला लिया तो मेरा नाम मुजफ्फर नहीं। अम्मी ये साइकिल कौन लाया था? हमीद लाया था। हमीद लाया था? अरे सुन तो, हमीद तुम मेरी साइकिल क्यों आया? और इसलिए कि वो 30 रुपए से ज्यादा का माल था। लेकिन तुझे लाने के लिए किसने कहा? हमीद मैं अपने ऊपर किसी का एहसान नहीं चाहता। तू इसे एहसान समझता है? हाँ ठीक, लोग सच कहते हैं कि दुनिया में गरीबों का कोई नहीं होता। हमीद तुमने मतलब नहीं समझा। मतलब समझ गया कि तू ये अपना नहीं समझता। अगर दोस्त या भाई बनकर तेरे किसी काम आ गए तो क्या ये एहसान है? अच्छा बाबा गलती हो गई माफ कर दे बस। अरे यार इस तरह से हमीद कर लो चक्कर तो तेरा है फिरोज, मुजफ्फरनगर भी बाना है। क्या बच्चा तेरा भला होगा फिरोज 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 फिरोज। मेरे शेर मुझे इससे यही उम्मीद शराफत अभी तक मिठाई लेकर वापस नहीं लौटा। अरे जान तुम मजा शराफत मुझे रुपए रुपए लो और फोन ले दिया है लेकर जल्दी से भाटे जल्दी से लेकर आओ कम बखत खानुम में था। अरे यार अपना काम करो चलो यार। मोती चूर के लड्डू खाओगे तो मजा पाओगे। ये सारे लड्डू कितने के हैं? सारे लड्डू बाबू जी सारे लड्डू हैं 12 रुपए के, और अगर थाली लेना है ना तो 3 रुपए में थाली नहीं कुल हुए 15 रुपए। 15 रुपए अबे ये तो बहुत होते हैं। अरे बाबू जी पैसों की कोई बात नहीं, माल की बात करो, माल की बहुत बढ़िया माल है, खाओगे तो याद करोगे यार। ईमान से क्या कोई लड्डू वाला मिला था? यार नहीं यार जल्दी कर, देर हो रही है। तो बहुत मजे का यार ले 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 भाई ले ले पहले चल भाई चल चल ले यार चलो। अबे इसमें क्या?
वो देखो जीत गया, वो जीत गया, वो जीत गया। तुम फिक्र ना करो, अगले बार तुम नहीं जीतोगे। हमेशा ये कहते तुम जीतोगे। इस साल वो जीत गया, मैं कहां जीतूंगा। अब मैं इलेक्शन में कामयाब हो गया हूँ अम्मी। माशाल्लाह आपकी दुआ से मैं पाली यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बन गया हूँ। बजी बेटे मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि वो तुझे हमेशा इन फूलों की तरह मुस्कुराता रखे। तेरी खुशबू से पूरी बस्ती, पूरा शहर, पूरा पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में रहती है। अरे हाँ, एक खुशखबरी तो सुनाना भूल ही गया। कल नौकरी के लिए मेरा इंटरव्यू है। कैसी नौकरी है बेटे? ट्यूशन है अब्बा जी। तू ट्यूशन पढ़ाएगा? हाँ अब्बा जी, इसमें हर्जी क्या है? आपको जो पेंशन मिलती है उसमें तो घर का खर्च ही बड़ी मुश्किल से चलता है। कम से कम इस ट्यूशन से मैं अपनी फीस तो दे सकूंगा। तो पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा? अम्मी मैं खुद भी पढ़ूंगा, दूसरों को भी पढ़ाऊंगा। इल्म ऐसा खजाना है, इसको जितना इस्तेमाल किया जाए उतना ही बढ़ता है। तुझे तो समझाने वाला ही पागल है, जो तेरे जी में आए सर। अम्मी अम्मी बात तो सुनिए अम्मी। अम्मी मैं आपकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकता। बदनसीब है वो औलाद जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती। मेरा तो ये ईमान है अम्मी कि माँ अगर किसी काम के लिए खुशी से इजाजत दे तो बेटा अपने मकसद में कभी नाकाम नहीं लौटता। हाँ कर दीजिए ना अम्मी, प्लीज हाँ कर दीजिए। अच्छा बाबा, जो तेरे जी में आएगा। नीचे सर मम्मी, हिपिप हुर्रे, हिपिप हुर्रे, हिपिप। वह तुम्हारे हालात सुनकर वालिद बेचारे नाबीना, पेंशन के अलावा आमदनी का और कोई जरिया नहीं। मुझे खुशी हुई कि तुम जेब जी के कॉलेज में पढ़ते हो। जेब आकर तुम्हारी बहुत तारीफें करती है। डैडी मैं जो नसीम के पास जा रही हूँ। आओ बेटी बैठो। अच्छा तो फिर इजाजत दीजिए। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाकई बड़ा नेक बच्चा है, मैं चाहता हूँ इसी तरह इसकी इमदाद हो जाए। मुबारक हो फिरोज, मुझे तुम्हारे जीतने की बहुत खुशी हुई है। जाहिर है मेरी कामयाबी तुम्हारी कामयाबी है मुजफ्फर भाई। हम तुम्हारे लिए सब मिलकर काम करेंगे। मुजफ्फर, अगर यही बात तुमने कुछ अच्छे पहले सोची होती तो तुम्हें इतनी ना कहूँ। आप लोग इलेक्शन की बात छोड़े, अब हम सब एक हैं, हमारे इरादे भी एक हैं। फिरोज, मैंने तुम्हारे जीतने की खुशी में एक पिछली पार्टी का इंतजाम किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात ने बात पैदा की है मुजफ्फर भाई। मगर मुजफ्फर, बता दे वो पिकनिक पर कौन कौन जाएगा? कौन कौन जाएगा? बड़ा बेटा कल्लू पूरा अगर कम बखत भी हमारा प्राइवेट मामला है, जिसको हमारा जी चाहेगा हम ले जाएंगे। सुधर ले जाऊंगा। जिंदगी की चाह को खुलूस से
लुभाते हुए हर एक दिल में जगह बना लो। मोहब्बत के दिए जला लो। ढंग कोई जीने का सिखाओ ना हमें, राह कोई दर्द की दिखाओ ना हमें, ढंग कोई जीने का सिखाओ ना हमें, राह कोई दर्द की दिखाओ ना हमें। अजनबी समझ के देखो राह में, सताओ ना हमें, हमें समझो जहान वालों। मोहब्बत के दिए जला लो। मतलब ही जहां से हमको काम ही नहीं, दुश्मनी का याद हमको नाम ही नहीं, मतलब ही जहां से हमको काम ही नहीं, दुश्मनी का याद हमको नाम ही नहीं। जिस जगह बुराई हो हमारा वो मकाम ही नहीं, जो रूठे हैं उन्हें मना लो। मोहब्बत ये भी है जला लो, वफा के गीत गुनगुना लो, तकाजा है ये जिंदगी का। मोहब्बत के दिए जला लो। बोर तो नहीं हुए? क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूँ चांद ज्यादा खूबसूरत है या तुम। बस 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 बस, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। नहीं सेब, तुम वाकई चांद से ज्यादा हसीन, फूलों से ज्यादा नाजुक और मेरी आरज़ू की तरह मासूम हो। एक चीज तो आप छोड़ गए। वो क्या? जनाब, मैं अरस्तू से ज्यादा अकलमंद भी हूँ। ये बात मैं नहीं मानता। अच्छा जी, आपसे मोहब्बत की है, क्या ये अकलमंदी नहीं? मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। अच्छा बाबा, मान गए। वैसे अपनी नजर उतार लेना। फिरोज, एक बात कहूँ? कहो। खैर छोड़ो। मैं समझ गया। क्या? यही कि मैंने आज तक तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया। दिल में हसरत है कि सितारों से सजा दूं तुमको, फिर ख्याल आता है कि दामन में मेरे कुछ भी नहीं। बस तुम्हारी यही बातें मुझे पसंद नहीं। फिर क्या पसंद? भाई मेरी पसंद पूछो तो खाने में बिरयानी, चिकन टिक्का और तली हुई मछली, और स्वीट डिश में कुल्फी, और कुल्फी अगर ना मिले तो आइसक्रीम, उसके बाद इलायची पहनने के लिए थ्री पीस सूट, चौदह इंच की मोरी, और जाने के लिए आलिशान बना, घूमने के लिए एक मोटर कार है, और दिल बहलाने के लिए अहमद रूस जी के गाने। हमें क्या कहता है खुदा पाए, क्या कहता है? कहता है तुम सुनो, कहता है जिंदगी अपनी थी अब तक उनसे बादल की तरह, तो फिर तुमने पुलिस की नौकरी कर ली है? हाँ हाँ फिरोज, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? ये तो बड़ी खुशी की बात है तारिक, लेकिन कभी कभी फर्ज के सामने दोस्ती आ जाती है। उस वक्त तुम क्या करोगे? कैसी बातें कर रहा है फिरोज? फर्ज, दोस्ती, अभी क्या ये सब कुछ हमारे ही साथ होना है? और सुनाओ प्यारे, तुम्हारी ट्यूशन का क्या हाल है? ठीक चल रही है, रोजाना पढ़ाने जाता हूँ। पढ़ाने जाते हो या पढ़ने? अभी तो सिर्फ पढ़ाने जाता हूँ। सही है, तू आजकल बहुत खोया खोया रहता है, तुझे मेरी कसम, बताने क्या बात है? अम्मी, क्या हम गरीबों को सलाम करने का भी हक नहीं? बेटे, सलाम करना और सलाम का जवाब देना तो सुन्नत रसूल है, इसमें अमीरी गरीबी का तो कोई सवाल नहीं। नहीं अम्मी, आजकल इस मतलब परस दुनिया में सलाम करना और सलाम का जवाब देना दोनों खुद गर्जी की बातें हैं। क्या फायदा सलाम करने से जब सलाम का जवाब ही ना मिले? जब कोई मेरे सलाम का जवाब नहीं देता
तो मुझे यही महसूस होता है जैसे उसने मेरे ऊपर थप्पड़ मार दिया हो। मैंने भी फैसला कर लिया है अम्मी कि आज से मैं किसी को सलाम नहीं करूंगा, किसी को सलाम नहीं करूंगा। नहीं, नहीं, तुझे सलाम करना होगा मेरे लाल। आपने मुझे तो थप्पड़ मार लिया अम्मी इसलिए कि मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन आप किस किस को थप्पड़ मारेंगे, किस किस को ही बताएंगे कि सलाम करना और सलाम का जवाब देना सुन्नत है। जिस दुनिया में लोगों के कान दौलत की झनकार सुन सुनकर बहरे हो चुके हों, वहां आपकी आवाज कौन सुनेगा अम्मी। दुनिया को छोड़ मेरे लाल, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाए यानी मुसलमान हो जब तुम्हारे पास आए तो तुम उनको अस्सलामुअलैकुम का ये खुदा की तरफ से पाकीज़ा तोहफा है और हजरत अली का कौल है कि सबसे बड़ा बाखिल वो है जो सलाम करने में मुख निकले। तो वादा कर मेरे लाल कि इस्लाम के इन फरमानों पर अमल करेगा। वादा कर मेरे बच्चे। अम्मी मैं आपका कहना कैसे टाल सकता हूँ। मेरे लाल अम्मी नीमा बॉस को 10,000 रुपए की जरूरत है। लेकिन मैं कहाँ से लाऊं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, मुजफ्फर नवाब का बेटा है। अरे बस तो उसी से हासिल कर लो। सीमा तुम चाहो तो मुजफ्फर से ज्यादा रकम हासिल कर सकती हो। सीमा मेरे प्यारी सीमा, सीमा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे अपना लो सीमा, इसलिए कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मोहब्बत के दिए जला लो, कृपा के गीत गुनगुना लो, मोहब्बत है ये जिंदगी का। मोहब्बत के दिए जला लो, वफा के गीत गुनगुना लो, तकाजा है ये जिंदगी का। ये क्या बदतमीजी है? कुछ नहीं डैडी, पेट में दर्द था, मैं और शर्गू शर्गू नाच बंद करो, तुम्हारी बदतमीजियां हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। सरकार मुझसे लड़ते हुए सरकार मुझे तो माफ कर दीजिए। यू शट अप, तुम दोनों फौरन यहां से दफा हो जाओ। दफा आप हमेशा गुस्से होते हैं। कम वक्तों ने नाक में दम कर रखा है, घर है या कमाखाना? बापू इतनी देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारी राह तक रही। आज मैं तुम्हारे लिए गेंदे के हार बनाकर लाई हूँ। बड़े बूढ़े कहते हैं गेंदे के हार पहनने से मोहब्बत पक्की हो जाती है। लो ये मेम साहब को दो। कितनी अजीब लड़की है ये भी फिर, हम दोनों से कितना प्यार करती है। हाँ जी, गांव में रहने वाले ये मासूम चेहरे खुलूस और मोहब्बत के पुजारी होते हैं। तंस नहीं है? लहसुन सर, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, है? अब भी कहता हूँ कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, और फिर आप पूछेंगे तो यही कहूंगा कि लाइसेंस नहीं है, नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम एक्सक्यूज मी, मैं अभी पूछ के बताता हूँ आपको। वन टू। हेलो खान, एक्सक्यूज मी आप फंसे हैं। हेलो डैडी, जरा मेरा नाम बता दीजिए। नाम अकूल, क्या बकवास है? अपने डैडी का नाम भी मालूम कर लीजिए। और डैडी आप अपना नाम भी बता दीजिए। बाप का नाम पूछता है ये? मैं एक मिनट, मैं गांव से बोल रहा हूँ। थाने से बोल रहे हैं? हेलो, ये मैं थाने से बोल रहा हूँ जी। जी
नहीं नहीं बदतमीज। डैडी आप अभी तक जा रहे हैं? हाँ, तुम्हें ये बताने के लिए कि ये नवाब अख्तर मिर्जा का घर है, कोई होटल या सराय नहीं। लेकिन डैडी वो रात के दो दो बजे तक घर से गायब रहना क्या शरीफों का काम है? लेकिन डैडी मैं तो अपने दोस्त की शादी में गया था। बको मत, आज तुमने शराब पीकर न सिर्फ गुनाह किया है बल्कि अपनी और अपने खानदान की बर्बादियों को दावत दी है। लेकिन डैडी मुझे जबरदस्ती शहजाद ने। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि शहजाद से मुझे तुम्हारा मेलजोल कतई पसंद नहीं। शहजाद एक आवारा इंसान है, इसके माहौल ने तुम्हें भी आवारा कर दिया। तुम फिरो से सबक लो। किस कदर शरीफ लड़का है, सिगरेट तक नहीं पीता। और तुम डैडी आप हमेशा उसी की तारीफ करते रहते हैं। अबू जान तारीफ सीखी होती है जो तारीफ के काबिल हो। तारीफ के काबिल कल का शोक और हमसे मुकाबला देख लूंगा। डैडी ये शर्फू बहुत डरपोक है, बिल्ली को भूत बताता है, वरना भूत की क्या मजा है जो मेरे सामने करेगा। बस 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 बहुत हो गई। आप कितने बहादुर हैं ये डैडी को अच्छी तरह मालूम है। जहाँ भूत का नाम आया और जनाब वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, मेरे कानों में तो पीतल की केल भी नहीं है। क्यों, आपके बंदे क्या हुए? एक तो खो गया था, एक है। तूने घड़ी का पत्ता नहीं बदलवाया? बदलवा लूंगा जब वक्त आएगा। अम्मी इस तरी कहां लिए जा रही हैं? कोयले डाल कर लाती हूँ। खुश नसीब है वो औलाद जिनके माँ बाप जिंदा है। बुंदा दीजिए, मैं वैसे दूसरा बुंदा लेकर आऊंगा आपके लिए। दूसरा गुंडा लेने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? अम्मी आप जल्दी कीजिए प्लीज। बाप रे, तो मामला ही उल्टा हो गया। लाइए अम्मी गुंडा दीजिए। पहले आंखें बंद कर, अब जरा उल्टा हाथ आगे कर। ये दीजिए। घड़ी कहाँ है? घड़ी मैंने बेच दी अम्मी, इसलिए कि आपकी इज्जत मुझे घड़ी से ज्यादा अजीज है। लेकिन छोड़िए, मैं ये बुंदा दीजिए। ये आपने चेन खरीदने के लिए अपना बुंदा बेच दिया। ये आपने क्या किया अम्मी, ये आपने क्या किया अम्मी? देखो बाबू, मैं तुम्हारे लिए फूल लाई हूँ, कितने अच्छे है ना। सामने तुझे फूल बहुत पसंद है। हाँ बाबू, इसलिए कि मेरे बहादुर को भी बहुत पसंद। बहादुर? ये कौन है? मेरा बहादुर वो फौज में सिपाही था। हाँ, ये लंबा कद, ये चौड़ी छाती,
गोरा चिपका रंग, अरे तुम देखते तो पता चलता। हम दोनों ने भी तुम दोनों की तरह प्यार किया था बाबू। फिर क्या हुआ? हमारा ब्याह हुआ और हम दोनों हंसी खुशी की जिंदगी गुजारने लगे कि एक दिन अचानक तो आम की जिंदगी है तो बड़ी अजीम है सामने, इसलिए कि तू एक शहीद की बेवा है। तेरा शौहर मुल्क और कौम पर शहीद हो गया। वो बहुत अजीम था सावरी, वो बहुत अजीम था। आफरीन है मातृ वतन जो तूने अजीज भट्टी, रशीद शामी, अब्बासी, यूनुस आलम और बहादुर जैसे अजीम बेटों को जन्म दिया। इन शहीदों और गाजियों के कारनामे पढ़कर दुनिया कहेगी कि अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाली कौमें कभी नहीं मर सकती। मेरे अजीम शान मुल्क की अजीम अफवाज और शहीदों को मेरा सलाम। या है सारे जमाने को एक सबक तुमने उलट के रख दिए तारीख के बरख तुमने मुजाहिदों हमी नहीं तुम्हें दुनिया सलाम करती है, सलाम करती है, सलाम करती है। वक्त
शामी भट्टी जैसे लोग बनोगे, लोग बनोगे। अलिफ से अपना पेटे बेहतर पेटे पाकिस्तान, पाकिस्तान की खातिर बच्चों सब कुछ है कुर्बान। अलिफ से पेटे पेटे सारे जहां को सच्चाई की राह दिखाए, इसको हमेशा ऊंचा रखना चाहे तुम्हें जान भी जाए, जान भी जाए। कि इज्जत फैशन करने में नहीं बल्कि इज्जत इसमें है कि जो तेरे साथ बुरा बर्ताव करे तू उसके साथ नेकी का। आप तो बोलते ही चले जा रहे हैं, मेरे तो हाथ भी थक गए। देखिए ना कल लिखूंगी। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा भाई अब मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह कल कॉलेज में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिरोज क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम्हारी आंखों की गहराई में कितना डूब चुका हूँ। फिरोज मेरी आंखों में हमेशा इसी तरह डूबे रहना। अच्छा अब तो दिल की हर धड़कन में तुम्हारी आवाज सुनाई देती है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिरोज साहब तशरीफ रखिए। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। फिरोज साहब जी क्या आप हमारे साथ शतरंज खेलना पसंद फरमाएंगे? जी नहीं साहब, मुझे शतरंज खेलने का कोई शौक नहीं। नहीं ये मोहब्बत के खेल खेल रहा हो, उस शतरंज के खेल क्या खेल सकता है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस लड़की से शादी के तुम ख्वाब देख रहे हो वो एक बड़े बाप की बेटी है, आलीशान बंगले में रहती है, दिन में छह छह जोड़े तब्दील करती है, वो सूरत कार में घूमती है। तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ एक सूट जिसमें तुम अपनी इज्जत का बेटे फिरते हो। तुम तो इस घर की नौकरानी के काबिल भी नहीं हो। जिंदगी के 52 जाड़े तुम इस सूट में नहीं गुजार सकते। अगर तुम्हारे सीने में दिल और दिल में एहसास होता तो तुम ये कभी ना भूलते कि एक सूट पहनकर घूमने वाला भी इंसान है। लेकिन तुम्हारा एहसास तो दौलत के ढेर में दब चुका है। तुम सोने चांदी के कफन में लिपटी हुई एक जिंदा लाश हो। तो हम इंसान नहीं लाश है। तुम खुद को इंसान क्यों समझते हो? तुम्हारे जैसे दौलत के पुजारियों का इंसानियत से क्या रिश्ता हो सकता है? तुम तो नवाब हो, सेठ हो, साहूकार हो, कैट हो। अपनी बहन पर हाथ उठा देना। अरे क्या पागल हो गया है? आप लगा दीजिए इस सूट को अम्मी, ये सूट मेरी हुर्बत को नहीं छुपा सकता। मेरी ये उल्टी सीधी बातें मेरी सुन ले नहीं आते। कभी तो इंसानियत से घर में आया कर। गुर्बत की गोद में जन्म लेने वाले इंसानियत का मतलब क्या जाने अम्मी? क्यों क्या गरीब इंसान नहीं होते बेटे? इंसान इन टूटे फूटे मकानों में नहीं रहते अम्मी, वो तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं, मोटरों में घूमते हैं, तालीम पर चलते हैं और अपनी इंसानियत का सबूत देने के लिए दिन में छह छह जोड़े तब्दील करते हैं। अल्लाह की नजरों में सब बराबर है बेटे। अगर ऐसा ना होता तो सरकारे दो आलम किसी अमीर घराने में पैदा होते। लेकिन दुनिया वाले ये बात क्यों नहीं समझते अम्मी? समझेंगे, एक दिन जरूर समझेंगे मेरे लाल। खुदा करे वो दिन चंद आए अम्मी। अरे भाई ने भी जो कुछ कहा ठीक ही कहा, आखिर एक लखपति भाई की बहन को एक ऐसे शख्स के साथ क्यों कर मुंसलिक कर दिया जाए जो उसके घर की नौकरानी के काबिल भी ना हो, जो एक सूट पहनकर अपनी इज्जत लपेटे फिरता हो। खुदा के लिए चुप हो जाओ फिरोज। हट जाओ जेब। फिरोज मुझे हाथ मत लगाओ जेब, मुझ में और तुम में एक बहुत बड़ा फासला है और इस फासले को मैं तय नहीं कर सकता।
ऐसा ना कहो फिरोज, तुम तो जानते ही हो भैया की हरकतों से डैडी भी खुश नहीं है। डैडी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं फिरोज। सजीत। हाँ फिरोज। तो फिर अम्मी को तुम्हारे घर भेज दूँ? अम्मी घर आकर क्या करेंगी? अम्मी तुम्हारे डैडी से कहेंगी, मेरा बेटा बहुत नीक है, इसे अपनी फर्जंदी में कबूल कर लीजिए। फिर तुम्हारे डैडी कहेंगे, हमें ये रिश्ता मंजूर है। और फिर तुम्हारे इन गोरे गोरे हाथों पर मेहंदी लगेगी, इस चांद से चेहरे पर सेवा सजाया जाएगा, और तुम शर्माई लजाई हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगी। एक अंगूठी तो क्या, मैं तुम्हें 10 ही की अंगूठियां दिलवा दूं। शाबाश जनाब। अगर इधर क्या कहना, तेरा दिमाग खराब है? लेट आऊं बदतमीज। और सुनो, डैडी अजीब है तो मुझे बता दीजिए, बेहतर शहर नगर में। अरे रुकिए, सीमा तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इतनी जोर से मार दिया है और उसके सामने शर्फू की बेइज्जती, मैं भी इन दोनों को आराम से नहीं बैठने दूंगा। कहता नहीं जबान से दिल बेकरार है और तू जाने आरजू है मुझे। अरे सीमा, अगर तुम कहो ना तो मैं समंदर में छलांग लगा दूं और उसके पैसे हीरे मोती निकाल कर तुम्हारी मांग में सजा दूं, और फिर तुम्हें दुल्हन बनाकर, तुम्हें दुल्हन बनाकर मैं खुशी से पागल हो जाऊं, पागल हो जाऊं। सीमा सीमा, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। सुनो डैडी आ गए। मेरे सरकार के दो साल पिंडी चाय है, बड़े सरकार तो है नहीं, मैंने सोचा आपके पास ले आऊं। अगर दरवाजा खुलने में कुछ देर है तो कुर्सी बाहर भिजवा दो, हम यहाँ इंतजार कर लेते हैं। अरे दादी साहब, हम यहाँ क्या होगा? तुम खिड़की से गुजर नहीं, तुमने सोचो क्या कर रहे हो? मिया साहब दादे, ये दरवाजा कब खुलेगा? अब मैं क्या करूँ? ऐसा करो, सीधी सीधी करके मुआ कर लो। आइए, बिल्कुल पत्थर, बिल्कुल पत्थर मालूम है। अभी गुस्सा चल रहा है, अभी गुस्सा, बिल्कुल। यहाँ साहब दादे, दरवाजा नहीं हुआ, हमारी शेरवानी के बटन हो गए जो खुलने में ही नहीं आते। इतने बड़े हो गए हो, होता है अंकल, ये सामने तो तुम्हें इतना सा देखा था। होता है अंकल, ये होता है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, इतने हवादार खूबसूरत कमरे में रहते हो। अंकल, ये तो नया जमीन कमरा, बहुत से खाने की सारी गर्म हवा यहाँ आती है। जी हाँ जी हाँ, इसका मतलब ये है कि सालन की खुशबू भी आती है यहाँ पर। खैर कुछ नहीं, तुम हमारी शेरवानी के बटन खोलो। मैं शेरवानी के बटन खुलवा। ये खातू कौन है अंकल? ये खातू नहीं है, ये तो मूर्ति है, पत्थर का मुजस्म है। जी हाँ जी हाँ, मूर्ति। जी हाँ जी हाँ, मूर्ति। जी हाँ अंकल, स्टैचू डैडी इटली से लाकर आए थे। स्टैचू इटली से, वो भी साड़ी पहना का? अरे अंकल, साड़ी तो इसलिए पहनाई है कि वहां साड़ी मकबूल है, हर शख्स वहां साड़ी पहनता है। हर शख्स वहां साड़ी पहनता है। सोनिया, इसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारी मरहूमा चाची जैसी है। सुभान अल्लाह, वही खड़े रहने का अपना वही मासूमियत। आज तो मुझे बार बार तुम्हारी मरहूमा चाची याद आ रही है। गर्म सबर कीजिए, आप सब गए होंगे, ऐसे किसी नीचे लैट्रिन में नहा लीजिए जाकर। लैट्रिन में नहा लीजिए, तुम्हारा मतलब यह है कि हम ताने में बैठ कर आए? मियां, हम ट्रेन के एयर कंडीशन कमरे में आए हैं। जी हाँ जी हाँ। अंकल आप ऐसे दें, यहाँ तशीफ रखू, तशीफ रखू, तशीफ रखू। अरे अंकल, यहाँ आप यहाँ तशीफ रखी, अगर आपने छो तो करंट लग जाएगा। करंट? करंट लग जाएगा? देखो बरखुरदार, हमने दुनिया में बहुत कुछ देखा है, अगर हम मर गए तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर खुदा रास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो। अंकल ऐसा कीजिए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें बटन लगाओ, बटन दबाऊंगा, मुस्कुराएगी, बटन सलाम करेंगे। आप नहीं बैठिए, मैं भी दिखाता हूँ आपको। देखिए जजदार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूब है तुम्हारी मूर्ति भाई। वाह,
तो दोबारा बटन दबाओ। अब मैं दूसरा बटन दबाता हूँ। देखा मैं बहुत खूब बहुत खूब। ये देखिए चाचा जान, ये आखिरी बटन दबाता हूँ मैं। ये देखिए, इस बटन को तो हमेशा के लिए ही दबा रहने दो। नहीं नहीं चाचा जान, फिर वही पहला वाला बटन है। ये देखिए इस बटन को तो हमेशा के लिए दबा रहने दो। बहुत अच्छा बटन है ना अंकल का, बहुत अच्छा है अंकल। अरे बात सुनिए अंकल, मैंने आपको बताया कि केस में करंट क्या। आप मत जाओ, मैं मत जाऊंगा। हां हां, मैं जाने दो। अरे अंकल बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए। देखो मौसम कितना हसीन है। क्या बात है फिरोज, आज तुम चुप क्यों हो? कुछ नहीं रे। नहीं, कोई बात जरूर है, बताओ ना। तुम मुझे भूल जाओ। भूल जाओ, लेकिन क्यों? इसलिए कि अम्मी ने एक और लड़की देखी और वो उसके साथ मेरी शादी करना चाहती है। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? जाहिर है, माँ के सामने मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मजबूरन मुझे हाँ करनी पड़ी। तो फिर तुम आज तक मेरे अरमान के साथ खेलते रहे, मुझे धोखा देते रहे। भैया ठीक कहते थे कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अच्छा हुआ, बहुत जल्द तुम अपने असली रूप में आ गए। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश ना करना। मेरी बात तो सुनो। खुदाया मुझे चांद सी एक दुल्हनिया दिला दे, खुदाया मुझे चांद सी एक दुल्हनिया दिला दे, जो हो खूबसूरत मगर नेक सीरत। खुदाया मुझे चांद सी एक दुल्हनिया दिला दे। निगाहों में जिसकी कमल हो वफा के, जो देखे हमेशा मुझे मुस्कुरा के, टपकती हो चेहरे से जिसके शराफत। खुदाया मुझे चांद सी एक दुल्हनिया दिला दे, जो हो खूबसूरत मगर नेक सीरत। खुदाया मुझे चांद सी एक दुल्हनिया दिला दे। सलीका हो सीने पिरोने का जिसको, जो खाना पकाने का फन जानती हो, जो आकर बना दे मेरे घर को जन्नत। खुदाया मुझे चांद सी एक दुल्हनिया दिला दे, जो हो खूबसूरत मगर नेक सीरत। उताया मुझे चांद सी एक दुल्हनिया दिला देना।
बड़ी धूम से अपनी शादी रचाऊं। या खुदाया, मोहब्बत की छोटी सी दुनिया बसाऊं, बरसने लगे मेरे घर पे भी रहे मत। खुदाया मुझे चांद सी एक दुल्हनिया दिला दे, जो हो खूबसूरत मगर नेक सीरत। शहजाद ने बताया डैडी, और ये बात सही है डैडी। अगर ये सही है तब भी हम खुश हैं। आप खुश हैं डैडी? वो एक बेकार और नाकारा नौजवान है, उसके पास है क्या? न दौलत, न बंगला और न मोटर। मोटर, दौलत, बंगला, क्या यही तीन चीजें इंसानियत का सबूत है? उसके पास मोटर, दौलत, बंगला न सही, लेकिन इंसानियत के जज्बे में धड़कता हुआ दिल तो है, जो अमीरी और गरीबी की तराजू में नहीं तोला जा सकता। और फिर गरीब होना कोई गुनाह नहीं। डैडी आप मेरी बात तो सुनिए। दफा हो जाओ मेरे सामने से, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। चले जाने, आप तो हमें बेकार और बेवकूफ समझते हैं। क्या फिरोज अभी तक सो रहा है? नहीं, कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा है। लाइए अम्मी, नाश्ता दीजिए, बड़ी सख्त भूख लगी। तौबा है लड़की, वो तो ऐसे कर रहा है जैसे कई दिन का भूखा हो। आपके हाथ का खाना खाकर तो अम्मी भूख मिटती नहीं। रात क्या सालन पकाया था, वाह वाह वाह, दिल चाह रहा था उंगलियां चाटने अपने प्यारी अम्मी की। क्या बात है, आज बड़ा लाल आ रहा है मेरे पास। बात क्या होती, कोई मतलब होगा। आप बिल्कुल ठीक समझे बाजी, माँ अल्लाह के नाम पर 2 रुपए दे दे। नाक में दम कर दे इस लड़के, खाली खाली हाथ नहीं जाएगा। ये ले और चल यहाँ। जा माई, तेरा भला हो, तेरा सेहत सलामत रहे, तेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बने। शरारत अभी तक नहीं गई। हद हो गई डैडी, रात भर दोस्तों के साथ खेलते रहते हैं, घर में देखो तो अकेले बाजी लगाए बैठे हैं। आओ ले, देखो ये बादशाह चारों तरफ से घिर गया है। अल्लाह आपके बादशाह को महफूज रखे डैडी। मैं जरा नजमा की आंखें अपनी किताब लेने जा रही हूँ, अगर फिरोज साहब आ जाए तो उन्हें बिठा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन बेटी जरा जल्दी आ जाना। हाँ तू बस डैडी, यू गई और यू आई। दिल है मुख्तसर सा के आग दिल में भड़क रही है। जी छोटी बीबी, देखो फिरोज साहब आएंगे ना तो उन्हें बिठा देना। छोटी बीबी, मैं तुम्हारे साहब के कपड़े लेने लाने जा रहा हूँ। अच्छा, तुम शरीफन से कहते जाओ। शरीफन, वो भी जरा अपने घर गई है। अच्छा तुम जल्दी से घर पर आ जाना, अब्बा जान अकेले हैं। हाँ अच्छा। या मेरे मौला, जिस तरह छोटी बीवी फिरोज साहब से मोहब्बत करती है, अगर शरीफन भी मुझसे मोहब्बत करने लगे तेरे खजाने में कमी तो नहीं आ जाएगी। शीशा टूट गया, मैं बंदे से बाहर आ रहा था,
कि पुलिस ने मुझ पर शक करके मेरा पीछा किया और मैं इस तरह अपनी जान बचाकर तेरी खुली में भाग आया हूं। शायद मैंने अपने आप को छुपाकर अच्छा नहीं किया हमीद। इस तरह भागने से पुलिस का शक यकीन में बदल जाएगा। वो तो बहुत ही बुरा, लेकिन फिक्र न कर, कानून इतना बेरहम नहीं जो बेकसूर लोगों को सजा दे। मुझे अपनी फिक्र नहीं है अमित, अम्मी और अब्बा इस सत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तू ऐसा कर, अभी घर जाकर उन्हें समझा दे कि मैं सुबह आऊंगा। तू फिक्र न कर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जाकर उनको बता देता हूँ, तू आराम कर। आप क्यों घबराती हैं अम्मी जान, इसमें घबराने की क्या बात है? उस फिरोज के कॉलेज में ड्रामा है, वो रात में गिरेगा, सुबह आ जाएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा, सलाम अलैकुम। जीते रहो बेटी। छोटी सरकार आप अस्पताल जाइए। छोटी अस्पताल जाइए, अभी क्या बक रहा है? मुझे कोई बुखार है जो मैं अस्पताल जाऊं? छोटे सरकार आप समझे नहीं, बड़े सरकार को किसी ने गोली मार दी है। गोली मार दी है, अब तो मैं क्या करूं? ये तो उनकी बेवकूफी है, वो उसे गोली मार देते। छोटे सरकार आप अस्पताल तो जाइए। छोटे सरकार अस्पताल जाइए, आज न जाओ सैया, कल को चले ज्यादा बेहतर है कि मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। इस तरह कब तक छुपा रहूंगा? तुझे क्या लगा मेरे यार, इंशाल्लाह जल्दी कोई कोई नतीजा निकल आएगा। मैं अब चलता हूँ, तू आराम कर। आते हुए अम्मी और अब्बा से जरूर मिलकर आना अमित। मैं मिलकर आऊंगा, तू आराम कर। नवाब साहब, अब आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं नवाब साहब का ब्याह ले लूं। बड़े शौक से। इंस्पेक्टर साहब, फिरोज के बच्चों को ऐसी सजा दिलवाइए कि वो जिंदगी भर याद रखे। नवाब साहब, क्या आपने किसी को गोली चलाते हुए देखा है? क्या आपने किसी को गोली चलाते हुए देखा है? सॉरी इंस्पेक्टर, नवाब साहब बहुत ज्यादा खौफजदा है, आप बयान कुछ दिन के बाद ले लें। सॉरी, अब आप तशरीफ ले जाए। प्लीज प्लीज। नवाब के बच जाने से सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। सीमा, आज फिर तुम्हें मुजफ्फर को देर तक साथ रखना होगा, एक बाजी और लगाई है, इधर या उधर। सीमा, तुम्हें मेरे हुक्म की तामील करनी होगी। आप फिक्र ना करें। हेलो मुजफ्फर, आओ आओ। हेलो शहजाद। सुनो डैडी कैसे हैं? पहले से तो बेहतर है। उस लड़के को कुछ पता चला? अभी कुछ पता नहीं चला। कब तक पता नहीं चलेगा? अच्छा भाई, हम तो चलते हैं। टाटा। इस जमाने में सब ही चलता है, लोग जलते हैं, इश्क जलता है। आम जफर क्रिस्टन चले। क्रिस्टन? तुम कहो तो सारी दुनिया को आ रहा है। मुझे जेब को जाकर बता देना चाहिए कि मैंने उसके बाप पर कातिलाना हमला नहीं किया। हमें भी याद कर लिया करो। यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हें लेने आया हूँ। जरीर कमीने, चले जाए यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। जरीर, तुमने मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया। अरे अब तो तुम मेरी हो जाओ। तुम नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। नहीं जा सकती, छोड़ दे इसको।
अच्छा बात तुम भी आ गए। मुझे तुम्हारा तो कब इंतजार था। मालूम होता तुम्हें जिंदगी से प्यार नहीं है फिरोज। जिन्हें जिंदगी से प्यार होता है उन्हें मौत की परवाह। ना जाने नवाब अख्तर मिर्जा को अस्पताल से किसने अगवा किया है। बाद शहजाद की सारी स्कीम उल्टी हो गई। हम घबराते क्यों हो? हमारे बाद शहजाद ने कभी शिकस्त नहीं खाई। अगर बाद शहजाद को जरूरत पड़ी तो वो अपने रास्ते से फिरोज और मुजफ्फर को साफ कर देंगे, समझे? मैं इस क्लब में नौकरी नहीं करूँ। अगर तुमने उन पर गोली चलाई तुमसे तो गिरफ्तार करा दूँ। सीमा रुक जा सीमा। शेरू अब बॉस उस शहजाद को क्या जवाब दोगे? बॉस शहजाद का हुक्म है, जो हमसे बागी हो जाए उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। नवाब साहब पर कातिलाना हमला, उनका अचानक गायब हो जाना और फिर जेब का अगवा। नहीं नहीं असर मियां, ये काम फिरोज का हरगिज नहीं हो सकता। इसमें तो किसी बहुत बड़े गिरोह का हाथ मालूम होता है। फिरोज ने खुद को छुपाकर पुलिस के शक को यकीन में तब्दील कर दिया है। तारिक मियां फिरोज भी बेचारा मजबूर है, न जाने कहां और किस हाल में होगा। अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। अच्छा भैया सर मियां सीमानिल्ला। तारिक जैसे भी हो तुम फिरोज और जेब को ढूंढ निकालो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आंख से दूर दिल से और जाने वाले तुम्हें याद बहुत आएगा। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसा ना कहें। फिर हमारा क्या होगा? अरे हम सब एक साथ खुदा को प्यारे हो जाएंगे। नहीं नहीं अभी हमें दुनिया में बहुत कुछ करना है। सीमा मर गई तो क्या हुआ? हम अपने मुजफ्फर के लिए नई सीमा तलाश कर लाएंगे। भगवान मुझे अपनी सीमा चाहिए। सीमा मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सबर करो मुजफ्फर सबर करो। तुम कहते सबर करो, मेरा कलेजा पटक रहा है, मेरा दिल जाता है। सौगल मैं इतना रोऊं, मैं खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो? अरे तुम्हारे लिए तो इतनी मुसीबतें मोल और अब तुम्हें छोड़ दूं? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो ना कोई और खिदमत बताओ। देख जेब जेब तुम मेरी हो, मान लो जेब जेब तुम। अरे जेब खुदा के लिए मुझे जाने दो।
लेकिन जेब तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारे डैडी तो अब तक मर चुके होंगे। और हाँ, वो रह गया तुम्हारा भाई, उसका होना ना होना एक बराबर है। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। आ जाओ बैठ जाओ हमारे साथ। हाँ बैठ जाओ। अरे तुम्हारी हर कोशिश बेकार है जेब, ना तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो और ना ही तुम्हारी आवाज। कौन है? अच्छा क्या हुआ बुढ़िया, एक छोकरे का ख्याल रखना। हम अभी आते हैं। सलामुअलैकुम। अब क्या लेने आए हो? मुझे अपने बच्चे की जिंदगी चाहिए बेटे। जिसने मेरे डैडी पर कातिलाना हमला किया उसकी जिंदगी मांगने आई हो? नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। मेरा फिरोज बेग कसूर है, उसने कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया? उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा सुख मेरा चैन छीन लिया और तुम कहती हो उसने कुछ नहीं किया? गरीब तो खुद सुख चैन के लिए तरसता है बेटे, वो क्या किसी का सुख चैन छीनेगा। चुप हो जा बुढ़िया, पैर की जूती सर पर आने लगी है। चलिए खाला जान, पत्थर से सर टकराना बेकार। ले जाओ इस बदबान को और याद रख बुढ़िया, तेरा बेटा अपने जुर्म की सजा पाएगा। नहीं नहीं बेटे, मुझे मेरे लाल की भीख दे दो, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिंदगी भर के लिए दुआ दी। हट जा बुढ़िया। भैया आज तुमने एक रोटी भी नहीं खाई? अभी अभी हमीद आया था सांवरे, वो कह रहा था कि मुजफ्फर ने माँ की बेइज्जती की है। घबराओ नहीं भैया, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तू घबराने को कहती है सांवरे, मेरा खून खोल रहा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया भैया मेरी बात तो सुनो भैया। फरमाइए क्या खिदमत की जाए आपकी। तुम अगर सोने चांदी के महलों में रहते हो तो इसका यह मतलब नहीं कि गरीबों की झोपड़ी को आग लगा दो। बकवास बंद करो। जेब कहाँ है? पहले मेरी बात का जवाब दे। क्या सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके भी तू माँ के उस पाकीज़ा खून की कीमत अदा कर सकता है जो उसने अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए तेरे दरवाजे पर पाया? बकवास बंद करो जी। अब ये बकवास तुझे खामोश करके ही बंद होगी। सरकार तो तेरे जिंदा है, लेकिन जो वो कमबख्त गरीबों का ठेकेदार चला गया या नहीं? Thank you.
हमेश जी मेरे बच्चे की तस्वीर दे दो। हिम्मत न हारो, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। वो बड़े लागू से पला है, उसे कोई पहुंचे नहीं तो मेरी रूह बेचैन रहेगी। फिरोज की अबा, हिम्मत से काम लो फिरोज की माँ। मैं तुम्हारे सामने अपने बच्चे का अम्मी, अम्मी मैं आ गया हूँ। अम्मी अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अम्मी मेरी प्यारी अम्मी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरे लाल। अम्मी 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 एक बार बेटा कह दीजिए। अम्मी अम्मी एक बार बेटा कह दीजिए। ये काम मुद्दतों से आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। अम्मी एक बार बेटा कह दीजिए। अम्मी अब मैं किस तो अम्मी कहूंगी अप्पा जी। अम्मा जी छोड़ दे हमें, मुझे मेरी माँ से बातें करने दे। अम्मी छोड़ दे मुझे। मुझसे काम लो फिरोज, सबर करो। कभी फर्ज के सामने दोस्ती आ जाती है, उस वक्त तुम क्या कहोगे? फर्ज दोस्ती, अभी क्या ये सब कुछ हमारे ही साथ होना है? नया मालूम होता है। भाई ए भाई, ए भाईजान, क्या नाराज हो? हम भी तुम्हारी ही बिरादरी के हैं। किस जुर्म में आए हो? क्या चोरी की थी? नहीं, किसी की जेब काटी होगी बेचारे ने। नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी की जेब नहीं काटी। तो फिर जरूर किसी का खून किया होगा। ये झूठ है, मैंने किसी का खून नहीं किया। उस्ताद यहाँ जो भी आता है वो यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। हुजूर अगर कुछ नहीं किया था तो फिर यहाँ 2.5 लाख की हवेली में कैसे तशरीफ ले आए? घबराने की कोई बात नहीं, हमारे कहने पे चलोगे तो ऐश करोगे ऐश। लोग उस्ताद और दादा कहकर पुकारेंगे, समझे? किस्मत का लिखा पूरा हो रहा, अब तो इस घर में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं रहा। आप इतना गम न करें अब्बा जी। गम? अब तो गम और खुशी का एहसास ही मिट चुका है। हंसी फिरोज की माँ के साथ दफन हो गई और आप तो फिरोज के गम में रोते रोते खुश्क हो गए। फिरोज की जगह मैं जो आपके पास मौजूद हूँ अब्बा जान।
ये रख लीजिए। ये क्या है बेटे? थोड़े से पैसे। लेकिन ये तो तुमने अपनी शादी के लिए जोड़े थे। हाँ अब्बा जी, लेकिन मुझे अपनी शादी से ज्यादा दोस्त अजीज है। ये रख लीजिए ना, फिरोज के मुकदमे में काम आएंगे। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। अब बैठे और मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। ब्याह नवाब, हम तुम्हारे गम में बराबर से शरीक हैं। मगर ये कम खास तो नहीं है, क्या था हा? वो दोस्ती का जो मुसीबत में काम ना। सरबो और तो सब ठीक है नवाब, मुझे तुम्हारी दौलत की फिक्र है। इतनी दौलत का क्या करोगे? अरे वाह कमाल है, इसमें विखर की क्या बात है। और नहीं तो क्या, सब दोस्तों में तकसीम हो जाएगी। दोस्त आखिर दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर किसके काम आएगा? सरबो तीन प्रकार सब, इन सबको बाहर निकाल दो। निकल जाओ, तुम लोग दोस्ती के काबिल नहीं हो, निकल जाओ। निकाल दो इन सबको। याद तो कौन ना आगा, हम रहे दोस्तों को। और नहीं तो क्या, आज है छठे सरकार का माल। निकल जाओ, निकाल दो। नवाब साहब, हम जैसे को निकालोगे ना तो ईमान से बात पूछता है। निकाल दे, निकाल दे इन कंगों को बाहर। अबे जाता गिर फुटो या मैं आऊँ। हाँ कंगों का गिर फुटो। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। तो प्यारे भागने की क्या जरूरत थी? ये तो हमें भी मालूम है कि जब तू एक मच्छर नहीं मार सकता तो आदमी को क्या मारेगा। बाबा हौसला रख मेरे लाल, अल्लाह ने चाहा तो फैसला तेरे ही हक में होगा। हमला किया हुँ? अजीब सवाल करते हैं अजी साहब, इन आंखों ने उसको हमला करते हुए देखा है। आपकी आंखों ने और क्या क्या देखा जी? कुदरत का तमाशा देखा? नहीं, मेरा मतलब है मैंने देखा कि फिरोज आया और डैडी पर गोलियां चला चला कर भाग गया। लेकिन जब फिरोज गोलियां चलाकर भागने की कोशिश कर रहा था तो तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? पकड़ता कैसे, मैं खुदकशी करना नहीं चाहता था। एक बात और बताइए, जब मुल्ज़िम फिरोज गोलियां चलाकर भागा उस वक्त क्या बजा था? मुझे ठीक से याद नहीं। हाँ अजान नहीं हुई थी, वरना मैं नमाज पढ़ लेता। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब साहब पर कातिलाना हमला शाम के 4 बजे किया गया। जी वो बात यह है कि मैं रात देर से घर आया था, हो सकता है 4 बजे हो। जी यार जनाब अली, बात दरअसल यह है कि मेरे डैडी इसकी दौलत हड़प करना चाहते थे और डैडी ने इस पर गोली चला दी। जी योर ऑनर, बयान मुलाजा फरमाया जाए। मिस्टर मुजफ्फर रात को घर देर से आए और साथ ही साथ उन्होंने मुल्ज़िम को हमला करते हुए भी देखा जो शाम को 4 बजे किया जा चुका था। योर ऑनर, चश्मदीद गवाह मिस्टर मुजफ्फर, मुसम्मा शरीफन और मुसम्मी शरफू के बयान तसल्ली बख्श नहीं। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मुल्ज़िम का पर्स मौके वारदात पर कैसे पहुंचा और मुल्ज़िम अपने आप को कानून से क्यों कर बचाता रहा। अदालत की कार्रवाई 25 जनवरी तक के लिए मुलतवी की जाती है। कमाल है बाबा, आज से तुम फौजी बने। शायद तू कुछ भूल गया है। तो फिर लिख ले हमारा भी नाम भूलने वालों में। मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो।
अगर आज मेरी जगह तुम्हारी बेटी होती तब तुम क्या करती? तुम्हें तुम्हारी ममता का वास्ता, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो माँ। आज तूने मेरी ममता को जगा दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी माँ। कोशिश की तो गोली चला दूंगा। दोनों के लिए आसानी से नहीं जा सकते। करम की नजर हो खुदाया, इधर भी करम की नजर हो खुदाया, इधर भी करम की नजर हो खुदाया, इधर भी करम की नजर हो खुदाया। मुझे भी मिले तेरी रहमत का साया, मुझे भी मिले तेरी रहमत का साया, इधर भी करम की नजर हो खुदाया, मुझे भी मिले रहमत का साया। फरियाद सुन ले, परेशान है दिल गम की रूह दर्द सुन ले, गुनाहगार हूँ मैं
फताकार हूँ मैं, इलाही कदम का तलबगार हूँ मैं। जरा अपनी जाने करीमी दिखा दे, निशाने करीबी दिखा दे, मेरी उजड़ी बस्ती को फिर से बसा दे, मेरी उजड़ी बस्ती को फिर से बसा दे, फिर से बसा दे, फिर से बसा दे। नहीं कोई माबूद तेरे सिवा, मारों की बिगड़ी बनाए, इधर भी करम की इधर भी कदम की नजर हो खुदाया, इधर भी करम की नजर हो खुदाया, रहमत का साया मुझे भी मिले तेरी रहमत का साया। गम के कांटे मेरी राहों से हटा दे मौला, गम के कांटे मेरी राहों से हटा दे मौला, आग दिल में जो लगी है वो बुझा दे मौला, आग दिल में जो लगी है वो बुझा दे मौला, मेरी दुनिया में नहीं कुछ भी अंधेरों के सिवा, मेरी दुनिया में नहीं कुछ भी अंधेरों के सिवा, मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे मौला, मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे मौला। रहम कर तुझको मोहम्मद मुस्तफा का वास्ता, रहम कर मौला अली मुश्किल कुशा का वास्ता, तुझको असगर का शहीद करबला का वास्ता, रहम कर रहम कर खुदाया। तू रहीम है, तू करीम है, तेरी शान जल्ले जला लहू, तू रहीम है, तू करीम है, तेरी शान जल्ले जला लहू, तेरी शान जल्ले जला लहू, तू रहीम है, तू करीम है, तेरी शान जलाए जला अल्लाह, तेरी शान जल्ले अगर तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो अदालत तुम्हें इजाजत देती है। बर्बादियों की आखिरी मंजिल पे पहुंचकर कम अज कम इतना मौका तो मिला कि अपनी सफाई में कुछ कह सकूं, लेकिन वो बदनसीब अपनी सफाई में क्या कहेगा जिसकी खुशियां आंसुओं में डूब गई हो, जिसकी तमन्नाओं का गला घोट दिया गया हो, जो अपनी माँ को आखिरी कांधा तक न दे सका हो। मैं मुजरिम हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम, इसलिए कि मोटरों और बंगलों के रूप में बिकती हुई शराफत खरीदने के लिए मेरे पास दौलत नहीं, दौलत के शीश महल में बैठकर
कहां लगाने वालों के लिए मेरा वजूद एक बदनुमा दाग है, एक धोखा है, एक फरेब है। मुझसे मेरी मां को छीन लिया, अंधे बाप ने झोली फैला फैला कर रहम की भीख मांगी, लेकिन ये पत्थर दिल इंसान सिवाय ठोकरों के और कुछ न दे सके। ऐसी दुनिया में कोई जीने की तमन्ना क्या कर सकता है? मुझे जिंदा रहने की कोई आरजू नहीं, और ना ही मेरे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है। मेरी बेगुनाही का सबूत सिवाय खुदा के और कोई नहीं दे सकता। सूर है नवाब अख्तर मिर्जा पर इस नौजवान ने कातलाना हमला नहीं किया, बल्कि निशाद क्लब के मालिक शहजाद ने किया था, जिसको मैंने कोरंगी की पहाड़ियों में मौत के घाट उतार दिया। ऑर्डर ऑर्डर इंस्पेक्टर, मामले की तहकीकात की जाए, मुकदमे की कार्रवाई अगले माह की 9 तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। इस शख्स के पास मुल्ज़िम फिरोज की बेगुनाही का कोई सबूत है तो अदालत में पेश किया जाए। बाबा, अदालत को मुल्ज़िम फिरोज की बेगुनाही का सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, सबूत चाहते हो? ये रहा सबूत। डैडी, जब आपको ये मालूम था कि आप पर हमला शहजाद ने किया है, तो आज तक आप ये बात क्यों छुपाते रहे? इसकी अहम वजह थी। अगर ये बात मैं किसी से कह देता तो मेरा वकार, मेरी इज्जत खाक में मिल जाती। दरअसल शहजाद, जो बजाहिर निशाद क्लब का मालिक था, मेरे इशारों पर काम करता था। ये ठीक है, मगर तुम बैंक में कितना पैसा जमा कराई? 30,000। बाकी वाले के छापे का क्या हुआ? सर, जब हम अंदर पहुंचे तो चौकीदार ने शोर मचा दिया। शोर मचाती है? और क्या बोलती? उसने भी मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। तुम क्या बोलती? हमने तुमको बोला तुम उसका बच्चा चलाओ, समझे? मैं समझ गया सर। हम दो दिन में इसका फैसला मांगती है, तुम जा सकती है। और इस तरह शहजाद मुझे गैर मुल्की बाशिंदा समझकर मेरे इशारों पर नाचता रहा। मैंने न जाने कितने घर बर्बाद कर दिए, कितने बच्चों को यतीम कर दिया, कितनी औरतों का सुहाग लूट लिया, लेकिन अपनी बेटी के अगवा होने पर मुझे एहसास हुआ कि जुर्म क्या चीज है। अपनी बेटी की इज्जत और इज्जत बचाने के लिए मुझे मजबूरन शहजाद का खून करना पड़ा। मैंने आज तक शराफत का लिबादा ओढ़कर अपने आप को कानून से बचाए रखा, लेकिन कानून से कोई नहीं बच सकता। कानून बहुत अजीम है। अदालत मिस्टर फिरोज को बाइज़त तौर पर बरी करती है, और चूंकि अख्तर मिर्जा ने खुद इकबाल जुर्म कर लिया है, इसलिए अदालत अख्तर मिर्जा को उम्र कैद की सजा सुनाती है। बड़ा सहारा अल्लाह का है बेटी। बेटे फिरोज। जी बाबा। आज मैं तुम्हें अपनी एक अमानत सौंप रहा हूं। इसका ख्याल रखना। जा 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 ज